हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी काला जामुन। इस काला जामुन को बनाने के लिए मैंने खोआ या मावा का यूज़ नहीं किया है। इंस्टेंट काला जामुन सिर्फ 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं, तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट ये बनकर रेडी होते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे इस तरीके को फॉलो ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाकर रेडी करेंगे। तो चाशनी के लिए मैंने 2 कप यहाँ पर चीनी लिया है और उतना ही हमें पानी भी देना है। 2 कप चीनी है तो 2 कप आपको पानी देना है। चाशनी हमें थोड़ा ज़्यादा बनाना है। अब हम इसमें केसर डाल देंगे और गैस पर इसे चढ़ा देंगे और इसे तेज आंच पर बॉईल करेंगे। ये देखिए बॉईल हो गई है। तो अब मैं इसमें इलायची डाल दूंगी। ये देखिए हल्का चिपचिपा लग रहा है। तो अब चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने 5 मिनट तक इसे तेज आंच पर बॉईल किया था, इसमें ये बन गया है। तो हम इसे ढककर रख देंगे। आइए अब काला जामुन बनाते हैं। तो काला जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। आप अच्छी क्वालिटी की मिल्क पाउडर लें। अब मैं इसमें 1 चम्मच सूजी डालूंगी। अब इसमें 2 चम्मच मैदा डाल दें। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें मैं 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, पर घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे अच्छे से मिला लें, हाथों से मिलाएं, हल्के हाथों से। ये देखिए क्रम्बल टेक्सचर बनकर रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध धीरे धीरे ऐड करें। मैंने यहाँ 5 से 6 चम्मच दूध लिया है, लेकिन आपको जितना लगे आप उतना ही ऐड करें और इसे हल्के हाथों से मिलाना है और आटा की तरह हमें इसे ऐसे गूंथ लेना है। अब इसमें से 1 बड़े चम्मच डो निकाल कर आप अलग रख लें और इस डो को लगभग 5 से 7 मिनट के लिए ढककर साइड रख दें ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स, मैंने पिस्ता, काजू और बादाम को चॉप करके इसमें डाल दिया है, फाइनली चॉप करके डालें। और केसर वाली दूध लगभग 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है और ऑरेंज कलर 3 से 4 ड्रॉप मैंने इसमें डाला है। इसे अच्छे से मिला लें। इसे हम अंदर स्टफ करेंगे। तो ये देखिए डो बिल्कुल रेडी है काला जामुन बनाने के लिए। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं। अब हम छोटी लोई बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए बॉल को मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे ऐसे फैला लें और बीच में हमने जो स्टफिंग तैयार की थी उसे डाल देंगे। ये देखिए ऐसे इसे डाल दें। ये देखिए बिल्कुल ऐसे। इसे अच्छे से कवर कर दें और एक चिकना बॉल बनाकर रेडी करें, बिना क्रैक वाले। अब सारे बॉल्स को इसी तरह रेडी कर लें। बिना क्रैक वाले बॉल्स बनाकर रेडी कीजिएगा, वरना तेल में जाते ही आपके काला जामुन फट जाएंगे। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ। आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कम गरम तेल में ही हमें इसे डालना है और धीमी आंच में इसे फ्राई करना है। एक स्पून की हेल्प से इसे आप पलट दें ताकि हर तरफ इवनली ये कुक हो जाए। ये देखिए इसे हर तरफ पलट पलट कर अच्छे से फ्राई करें और बिल्कुल धीमी आंच में ही इसे फ्राई करना है। ये काला जामुन है तो हमें इसे थोड़ा लाल ज़्यादा करना है। ये देखिए ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इसे निकाल लेंगे और चाशनी में डायरेक्ट डाल देंगे। इसे मिला लें और कवर करके आधे घंटे के लिए रख दें ताकि चाशनी अच्छे से काला जामुन में अब्सॉर्ब हो जाए। ये देखिए इस काला जामुन में आप चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं या फिर आप पिस्ता से सजा सकते हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। ऐसी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।